तो दोस्तों आप देखते हैं, इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था हीट जनरेशन इन सिलेंडर देखा था, अब सॉलिड स्फीयर है। तो सॉलिड स्फीयर की जो मैंने हीट कंडक्शन इक्वेशन थी जनरल वाली, वो मैंने नहीं करवाई। अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो वो नीचे कमेंट करे, तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा हीट कंडक्शन इन सॉलिड स्फीयर पे, वो इक्वेशन किस तरीके से आई थी। तो देखो अब इसमें भी एजम्पशन सेम है, स्टेडी स्टेट है, थ्री डायमेंशनल है, एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो इसलिए मैंने एक डायरेक्शन रेडियल डायरेक्शन की कंसिडर की है, और हीट जनरेशन हो रहा है इसलिए मैंने हीट जनरेशन सोर्स यहाँ पे लिखा है, और टाइम वाला फंक्शन क्या हो गया, जीरो हो गया। तो देखो ये अगर आपको नहीं है दिक्कत है तो आप इसको बुक में देख लीजिए, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स करके आप किसी भी आर के राजपूत में देख लीजिए, वहां पे आपको इक्वेशन मिल जाएगी बड़ी वाली, जो ईएससी के पेपर में पूछा जाता है वो इतना सा ही पूछा जाता है, सिर्फ वन डायमेंशनल की पूछा जाता है, बिकॉज वो बहुत ही बड़ा हो जाता है तो उनके पास जगह नहीं होता पेपर में, इसलिए वो ये इतना लंबा इक्वेशन पूछते नहीं है। तो इसलिए मैंने जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की डेरिवेशन नहीं करवाई थी। तो अब देखो इसको किस तरीके से करेंगे, यहां तक आपको नोट तो करना ही है, इसको इंटीग्रेट कर दो, आप इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करने से क्या होगा, एक डेरिवेटिव कट जाएगा, क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर डी टी बाई डी आर प्लस क्यू जी आर क्यूब डिवाइड बाई थ्री के, इधर आ जाएगा सी वन। अगेन इंटीग्रेट करने से पहले आर स्क्वायर हटाओ, आर स्क्वायर से डिवाइड कर देते पूरी इक्वेशन को, ये हमने आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, आर स्क्वायर डिवाइड करने से क्या हो गया, आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये वाला आर स्क्वायर से एक आर से आ गया और ये इक्वेशन बन गया वाली। इंटीग्रेट कर देंगे आप फिर से, हम इंटीग्रेट डी टी बाई डी आर को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, टी आएगा, उसके बाद क्या आएगा, प्लस क्यू जी आर स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा, सिक्स के हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू सी वन आर स्क्वायर। देखो वन आर की पावर -2 + 1 - 2 + 1 कितना हो गया, ये -1 अपॉन ये हो जाएगा कुछ -1 अपॉन आर सी वन प्लस सी टू, ये हो गई हमारी टेम्परेचर की प्रोफाइल। अब देखो इस टेम्परेचर प्रोफाइल में आप क्या करेंगे, हम जो हमारी जो इक्वेशन है वो ये हो गई, अब इसको लर्न कर लो आप, और हमको सिंपल बाउंड्री कंडीशन पुट करनी है और हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो मैं इसमें न्यूमेरिकल कुछ नहीं करवाने वाला, आप बस मैथमेटिकली एक है जनरल एक्सप्रेशन में बता देता हूं, उसी तरीके से आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेना। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, अब मैं बाउंड्री कंडीशन नोट करने वाला हूं। तो देखो पहला बाउंड्री कंडीशन क्या है, बाउंड्री कंडीशन एट एक्स इज इक्वल टू कैपिटल आर, देखो स्फीयर ये रहा यहां पे, ये आर डिस्टेंस पे है, यहां पे टेम्परेचर वॉल के इक्वल होगा यहां पे, देखो एट एक्स इक्वल टू आर, इसका मतलब क्या है, एट एक्स इक्वल टू आर पे टेम्परेचर किसके इक्वल होने वाला, टेम्परेचर वॉल की इक्वल होने वाली, ये पहली बाउंड्री कंडीशन हो गई। अब सेकंड बाउंड्री कंडीशन देखो, सेकंड बाउंड्री कंडीशन है कि हीट जनरेट जितनी हो रही है वो सारी की सारी हीट लॉस भी तो होगी, तो यहां से हमको देखो क्या मिलेगा, दूसरी बाउंड्री कंडीशन हमको ऐसे मिलने वाला है। देखो हीट जनरेट कितनी हो रही है, इसको हीट जनरेट को हम कैसे लिखते हैं, क्यू जी पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना है इसका, 4/3 πr³, हीट लॉस माइनस के एरिया 4πr² dt/dx, हीट लॉस कहां से होगी, सरफेस से होगी ना, तो यहां पर क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू आर। तो यहां तक हो गया नोट, 4π से 4π कट गया, r² से r² कट गया, एक r बच गया, क्यू जी थ्री आर, यहां पे नीचे k आ गया, ये माइनस का साइन, ये आगे dt/dx dt r लिख दो, यहां पे बार बार कंफ्यूजन हो जाती है, dt r लिख दिया यहां पे, x इज इक्वल टू आर पे, तो ये हमारी dt/dr की वैल्यू होगी। अब हम देखो इस वाले एक्सप्रेशन को अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें dt/dr, ये हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया इसको, इस वाले टर्म को उधर ले जाओ, माइनस क्यू जी अपॉन सिक्स के, इधर आ जाएगा 2r, प्लस 1/r का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, -1/r², ठीक है, 1/r², ये c1 हो गया, c2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो देखो यहां से हमें ये देखो dt/dr, अब देखो इस इक्वेशन में हम अगर r पुट कर दे, x इज इक्वल टू आर, तो क्या होगा, यहां पे देखो जहां जहां r है वहां पे कैपिटल r आ जाएगा, यहां पे कैपिटल r आ गया, यहां पे क्या आ गया, कैपिटल r आ गया। देखो अब इस इक्वेशन से हमको क्या मिला, इस इक्वेशन से हमको ये एक्सप्रेशन मिला। अब देखो इस वाली वैल्यू को यहां पुट कर दो, dt/dr की वैल्यू पुट कर दो, माइनस क्यू जी आर अपॉन थ्री के। अब देखो ध्यान से देखो, 2 से 2 कैंसिल, ये 3 कैंसिल होगी, 3 के हो गया, माइनस क्यू जी आर 3 के, देखो ये वाली टर्म क्या होगी, कैंसिल आउट होगी, और c1 की वैल्यू क्या मिल गई हमको, जीरो, c1 क्या मिल गया हमको, जीरो।
आप देखो अब हम क्या करेंगे, C1 की वैल्यू जीरो मिल गई, अब हम क्या करेंगे सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। बिल्कुल ध्यान से नोट करना आप। तो देखो आप सेकंड बाउंड्री कंडीशन जब हम इस इक्वेशन में अप्लाई करेंगे सेकंड बाउंड्री कंडीशन, तो देखो T इज इक्वल टू माइनस, इधर ले जाते हैं माइनस क्यू जी कैपिटल आर स्क्वायर, पुट किया हमने आर, लिखो यार से यहां पे क्या आ गया सिक्स के हो गया। आप देखो ये वाला टर्म क्या हो गया माइनस वन अपॉन आर, सी वन तो जीरो था ना हमारा, तो इसको हटाओ, इधर क्या आ जाएगा सी टू आ जाएगा। टेम्परेचर किसके इक्वल है, टेम्परेचर वॉल की इक्वल है, तो सी टू की वैल्यू यहां पे कितनी आ गई टी डब्ल्यू प्लस क्यू जी आर स्क्वायर अपॉन सिक्स के। समझ में आया हमें कैसे ये वाली बाउंड्री कंडीशन कहां पुट करी है, इस इक्वेशन में पुट करा है, और सी वन की वैल्यू भी इस इक्वेशन में पुट करी है। तो यहां से सी वन और सी टू आ गया, और इन दोनों इक्वेशन को पुट कर दो वापस से इसमें, तो ये हम इसको भी रफ करते हैं। आप देखो टी है तो यहां टी आ जाएगा, प्लस क्यू जी लिख दिया हमने इसको, आर स्क्वायर लिख दिया, सिक्स के लिख दिया, इक्वल टू माइनस वन अपॉन आर, सी वन कितना है जीरो है, लिखने की जरूरत ही नहीं है, सी टू कितना है टी डब्ल्यू है, क्यू जी आर स्क्वायर सिक्स के। तो ये हमारी हो गई एक्सप्रेशन। आप देखो इसका टेम्परेचर प्रोफाइल तो हमको मिल ही गया, ये भी पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा रहे क्या, देखो टेम्परेचर टी डब्ल्यू प्लस टेम्परेचर टी डब्ल्यू आ गया, वॉल टेम्परेचर हो गया, ये हो गया क्यू जी आर स्क्वायर सिक्स के, सिक्स के लिख दिया, देखो आर स्क्वायर ये वाला ऐसे हमने इसको कॉमन ले लिया, ये जनरल टर्म है ना, अगर सपोज आपको यहां पे फाइंड करना है टेम्परेचर, आर की वैल्यू डालो यहां पे आ जाएगा टेम्परेचर आ जाएगा इस पॉइंट पे। अब हम फाइंड करते हैं टू फाइंड मैक्सिमम टेम्परेचर, कैसे फाइंड करते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर बताओ, डी टी बाई डी आर से इक्वल रख देंगे जीरो के इक्वल, तो आर की वैल्यू आ जाएगी, देखो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो जीरो आएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे देखो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर एक कांस्टेंट टर्म है तो ये भी जीरो ही तो आएगा। उसके बाद इस वाले टर्म को देखो क्यू जी अपॉन सिक्स आर, क्यू जी अपॉन सिक्स आर माइनस आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस टू आर होगा, इसको जीरो के इक्वल रख दोगे, इसको जीरो के इक्वल रख दोगे तो यहां से देखो ये सारा का सारा टर्म इधर जाके जीरो हो जाएगा, आर की वैल्यू क्या आ गई जीरो हो गई। इसका मतलब क्या है कि सेंटर लाइन पे मिलेगा हमको मैक्सिमम टेम्परेचर, कहां मिलेगा मैक्सिमम टेम्परेचर फाउंड एट सेंटर ऑफ स्फीयर, एक नंबर का ये भी आता है ईएसई के पेपर में कि मैक्सिमम टेम्परेचर स्फीयर के केस में कहां पे मिलेगा, मैक्सिमम टेम्परेचर फाउंड एट सेंटर ऑफ स्फीयर। तो दूसरी बाउंड्री कंडीशन हमारी क्या होगी, आर जीरो पे डी टी बाई डी एक्स क्या होगा जीरो होगा। आप बस ये वाली हमारी दूसरी बाउंड्री कंडीशन हो गई, और पहली बाउंड्री कंडीशन क्या था एट आर इज इक्वल टू कैपिटल आर पे जो टेम्परेचर होगा हमारा वो वॉल टेम्परेचर ही होगा। तो ये दो बाउंड्री कंडीशन है, और वो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो हमारा प्रोफाइल था वो था उसमें बस ये दो बाउंड्री कंडीशन लगा, सारे के सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। तो ये हमारा जनरल टर्म हमारा हो गया। देखो आर जीरो पे हम मैक्सिमम टेम्परेचर फाइंड कर लेते हैं, तो देखो आर जीरो पे मैक्सिमम टेम्परेचर इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, T इज इक्वल टू टी डब्ल्यू प्लस क्यू जी कैपिटल आर स्क्वायर, आर जीरो हो जाएगा सिक्स आर। ये हमारा आ गया किसका फॉर्मूला, मैक्सिमम टेम्परेचर का फॉर्मूला आ गया। ये भी ईएसई में डायरेक्ट एक्सप्रेशन पूछा जाता है, पेपर में आया हुआ सॉल्व है ईएसई के। तो ये हो गया टेम्परेचर मैक्सिमम का प्रोफाइल, मैक्सिमम टेम्परेचर हो गया स्फीयर के केस में। तो देखो अब आप देखो हम एक्सप्रेशन विद एच करते हैं, एक्सप्रेशन विद एच। अब हमारे जो क्वेश्चन में एच, अगर अभी तक एच कंसीडर नहीं किया था ना, देखो वापस इसको ड्रॉ कर लो, ये आर हो गया, ये एच है, बाहर है स्ट्रीम टेम्परेचर, तो इसमें क्या होगा हीट जो जनरेट होगी वो क्या होगी, हीट डिसिपेट होगी, बाहर निकलेगी हीट। कितनी हीट जनरेट हो रही है, देखो क्यू जी वॉल्यूम कितना होता है फोर बाय थ्री बाय आर क्यूब, सही से लिख देते हैं इसको, क्यू जी इज इक्वल टू हीट डिसिपेटेड, हीट डिसिपेट देखो एच एरिया कितना होगा फोर बाय आर स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा टी एस माइनस टी वॉल टेम्परेचर माइनस स्ट्रीम टेम्परेचर, ये वॉल टेम्परेचर है इसका टी डब्ल्यू। तो यहां से देखो फोर पाई से फोर पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो हमारा जो वैल्यू आ गई क्यू जी आर अपॉन थ्री एच, ये हो गया हमारा टी इंफिनिटी, और ये हो गया हमारा टेम्परेचर ऑफ वॉल। तो जो हमारी जनरल एक्सप्रेशन आई है देखो टेम्परेचर का, जो इससे पहले देखो अब अभी मैंने मिटाओ दिया, वो उसमें जो टेम्परेचर प्रोफाइल था वो हमारा क्या आया था, उसमें टी डब्ल्यू की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो देखो टेम्परेचर प्रोफाइल हमारा क्या आया था, अगर याद हो तो देखो माइनस क्यू जी आया था शायद, माइनस क्यू जी, देखो ये था क्यू जी, एक मिनट क्यू जी अपॉन सिक्स के आर स्क्वायर माइनस, ये हो गया प्लस
टेम्परेचर ऑफ वॉल था, ये था हमारा एक्सप्रेशन, अभी देखा था, रिमाइंड करके देख लो वीडियो को। अब टेम्परेचर ऑफ वॉल यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो देखो क्या आ जाएगा, QG अपॉन 6K R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर प्लस QG R अपॉन 3H प्लस TW। तो ये हमारा हो गया एक्सप्रेशन, यहाँ पे शायद माइनस साइन आएगा, माइनस साइन नहीं नहीं कंसिडर हो गया, तो ठीक है ये हमारा क्या हो गया एक्सप्रेशन हो गया किसके साथ, जब कन्वेक्शन कोएफिशिएंट हमने कंसीडर किया। तो ये था दोस्तों स्फीयर के केसेस में जो हमारा हीट जनरेशन सोर्स जब होगा तो क्या होगा। अब जो हमारा जो देखो, तो ये इसका भी मतलब यही है कि पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन है और सेंटर पे हमारा क्या मिल रहा है, मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ सेंटर पे मिल रहा है। देखो अगर पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने सिलेंडर वाला केस बताया था, सिलेंडर वाले केस में अगर हॉलो सिलेंडर हो तो क्या सेंटर पे मिलेगा मैक्सिमम टेम्परेचर, तब सेंटर पे नहीं मिलेगा, तब कहां पे मिलेगा, देखो इस लाइन पे मिलेगा, ये लाइन पे इस तरीके से होगा। तो यहां पे हमारा ये जो है ना ये मिड पे देखो, ये अगर आर टू है और इंटरनल रेडियस आर वन है तो आर वन प्लस आर टू डिवाइड बाय टू पे हमें मिलेगा मैक्सिमम टेम्परेचर। ये बात आप नोट करके लिख लीजिएगा, हॉलो सिलेंडर के केस में मैक्सिमम टेम्परेचर यहां पे मिलेगा इस स्लैब के अंदर, सेंटर पे नहीं होगा। ठीक है आप देखो मैं इसके शॉर्ट नोट्स बताता हूं अब। तो दोस्तों देखो ये शॉर्ट नोट्स है, यहां पे लिख लो शॉर्ट नोट्स है, ये डायरेक्ट इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर में पूछी जाती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, किसी में भी देख लो। स्लैब के केस में मैक्सिमम टेम्परेचर ये होगा, अगर नहीं पता तो पिछले वाले लेक्चर में जाके देखिए, सिलेंडर के केस में मैक्सिमम ये होगा, स्फीयर के केस में ये होगा। जिसको दो तीन लेक्चर नहीं पढ़ना, अगर वो शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं तो बस वो ये तीन क्वेश्चन याद कर लो, बिकॉज ज्यादा क्वेश्चन इसमें मैंने देखा नहीं है आते हुए, सिर्फ सिंपल इतने से ही क्वेश्चन आते हैं, बस टिक मार्क के क्वेश्चन आते हैं कि सिलेंडर के केस में मैक्सिमम टेम्परेचर कहां पे होगा। तो देखो सेंटर पे होगा दोनों केस में, सेंटर सिलेंडर और स्फीयर के केस में दोनों यहाँ पे सेंटर पे सेंटर लाइन पे होगा, और स्लैब के केसेस में मिड पॉइंट पे, जहां पे भी आधा मिड पॉइंट है वहीं पे हमें मैक्सिमम टेम्परेचर मिलेगा। और हॉलो सिलेंडर के केस में याद रखना, हॉलो सिलेंडर के केस में हमको यहाँ पे मिलेगा, इसके बीच में मिलेगा, इन दोनों के बीच में मिलेगा। तो ये था हमारा, अब लेक्चर खत्म हुआ जो